नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक चारपाई में नई डिजाइन लेकर हाजिर हूँ। और इस चारपाई में एक साथ दो दो डिजाइन देखेंगे दोस्तों आपको। इससे पहले मैंने ऐसी चारपाई बनाई थी बहुत सी, तो वो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और ये आपको अच्छी लगी थी तो ये भी आप बना सकते हैं। वैसे कई डिजाइन में आपको चारपाई मिल जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ से आप देखें, प्ले लिस्ट में आपको बहुत सी वीडियोज मिलेंगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और रेड कलर के क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं सीधे चारपाई। देखिए इसमें भी दोस्तों डबल माई है हमारी, और माई के बारे में और ताना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पर्टिकुलर मैंने प्ले लिस्ट बनाई दोस्तों कि माई कैसे होती, वो भी 5-6 प्रकार की माई बताई है, और ताना भी मैंने बताए हैं, डबल माई का, सिंगल माई का, दोनों चीज़ मैंने बताई हैं। तो देख लीजिए, इससे पहले मैंने डबल माई का बताया था, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें चार आगे हैं, चार पीछे, चार आगे, चार पीछे, चार आगे, चार पीछे, इस प्रकार से हैं दोस्तों। टोटल रस्सी कितनी वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें टोटल दोस्तों 94 रस्सी ली गई है, और इसमें सभी में अलग अलग कलर्स में आप बना सकते हैं। अलग अलग कलर्स की रस्सी ली गई है, तो वो आप बना सकते हैं। इसमें देखो एक फूल एक स्टार है। ऐसी चारपाई मैंने 4-5 प्रकार की बनाई है। इसमें आप 3 कलर डाल सकते हैं, 2 कलर से बना सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर बताया दोस्तों, इसमें 2 कलर की बनाई है, फिर मैंने इसमें 5 कलर की बनाई है, 3 कलर की भी, 4 कलर की दोस्तों। तो वो पर्टिकुलर्स मैंने बना के दिखाई। ये देखो इसमें 4 कलर है, ये अलग डिजाइन से। इसमें सिर्फ फूल और स्टार हैं। एक में मैंने आपको फूल, स्टार, बावड़ी, 3 चीज़ डाल के बताई, और 3 कलर में बनाई है, 2 कलर में भी, और 5 कलर में भी, 4 कलर में, वो सभी आप बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये एक अलग सिक्वेंस में बनाई गई है, अलग डिजाइन से। इसमें सिर्फ आपको एक लाइन में देखेंगे तो आपको फूल और आपको स्टार मिलेगा, लेकिन दूसरे कलर में आपको चेंज हो जाएगा सीक्वेंस, वो मैं आपको दिखा। देखो यहाँ पे आपको फूल है, यहाँ पे स्टार है, लेकिन फिर यहाँ स्टार बनेगा और यहाँ फूल बनेगा, इसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार इसमें देखेंगे, देखो यहाँ पे येलो वाली में आपको स्टार एकदम दिख जाएगा, क्योंकि ये कलरफुल के चक्कर से ये आपको अलग डिजाइन दिखेगी दोस्तों। तो वो चीज आपको ध्यान रखना, तभी आप डिजाइन बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे दोस्तों। तो देखो यहाँ पे बना दिया स्टार है, यहाँ पे आपको देखेंगे और भी आप देखेंगे, यहाँ पे येलो में देखो स्टार एकदम दिख रहा है, यहाँ पे स्टार बनाए, लेकिन आप ये येलो रस्सी डालेंगे तो आपको स्टार दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ हमारा अलग दिखेगा, यहाँ पे आपको अलग दिखेगा। देखो स्टार, यहाँ फूल बना दिया, फिर आप स्टार बना सकते हैं इस प्रकार से, ये देख लीजिए। तो ये सभी आप कर सकते हैं, ये फूल है, ये छोटा बड़ा आप बना सकते हैं, 9 रस्सी का फूल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रस्सी का। तो ये इस प्रकार से बना सकते हैं फूल। तो ये आपको ध्यान रखना, ये 5 रस्सी का, 7 रस्सी का, 9 रस्सी का, 11 रस्सी का, 13 रस्सी का दोस्तों, इस प्रकार से फूल बना सकते हैं। इसमें दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको लहर दिखेगी, यहाँ से देखो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये लहर बनती हुई नजर आएगी। देखिए यहाँ से ये देखिए, या पूरी चारपाई में इस प्रकार से लहर डालना चाहते हैं तो आप लहर डाल सकते हैं। उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर चारपाई में बनाया इस प्रकार से लहर। देखो ये एक फूल है, ब्लॉक में बंद है, फिर यहाँ पे ये एक ब्लॉक में बंद है, लेकिन यहाँ पे आपको स्टार बन जाएगा, फिर ये इस प्रकार से देखेंगे तो ये देखो स्टार बन, लेकिन ये ऐसे इस प्रकार से ये फिर लहर आप देखें तो लहर भी दिखेगी। तो इस प्रकार से तीनों डिजाइन आपको समझ में आ गई होंगी। तो आसानी से आप देख सकें कि आपको स्टार यदि इसमें ये व्हाइट वाली डाल देंगे इसके पहले यहाँ पे, तो और ये स्टार है बढ़िया, आपको सुंदर दिखेगा दोस्तों। लेकिन ये अलग मैन्युफैक्चरिंग के कारण से मैंने फूल स्टार बनाए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो दूसरी कलर की बनाएंगे उसमें एक फूल, फिर बावड़ी फूल, फिर बावड़ी फिर फूल, फिर बावड़ी, फिर दूसरे बनेगा स्टार फूल, स्टार फूल, स्टार फूल, ऐसे बनेंगे। तो वो मैंने 5 कलर की बनाई है, 3 कलर की, 4 कलर की और 2 कलर की बनाई, ये थोड़ा अलग मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, तो ये आप बना लीजिए। इसमें सिर्फ आपको ये फूल और स्टार, फूल स्टार, फूल स्टार, लेकिन इसमें थोड़ा क्या है कि यहाँ पे फूल बनाए हैं तो यहाँ पे स्टार बनेगा, लेकिन उस दूसरी चार पे हम देखें तो यहाँ फूल है तो यहाँ भी आपको फूल ही या बावड़ी मिलेगा। तो ये सिक्वेंस का थोड़ा अलग मिलेगा, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें मैं आपको एक एक रस्सी के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं दोस्तों। तो वो चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप बना पाएंगे दोस्तों। इसमें क्या क्या गया है देख लीजिए, आप पूरी चारपाई आपको दिखा देता हूँ मैं। इसमें थोड़ा सीक्वेंस है, अलग डिजाइन है, वो सभी देख लीजिए। इसमें लहर आपको दिखेगी, स्टार भी दिखेगा, फूल भी दिखेगा। अब इसमें दोस्तों क्या क्या, यहाँ पे ये 5 रस्सी दबाई, 5 उठाई, फिर एक दबाई, फिर यहाँ पे 4 उठाई, 4 यहाँ पे 5, 4 दबाई दोस्तों, फिर 4 उठाइए, फिर एक दबाइए, फिर 4 दबाई, 4 उठाई, फिर 4 सॉरी 4 उठाई, 4 दबाई, फिर 4 उठाई, फिर एक दबाई, मतलब 4, 4, 2, 8, 4, 12 और 13वीं रस्सी एक आपको दबानी है। फिर 4 उठाई, 4 दबाई, फिर 4 उठाई, फिर एक दबाई, फिर 4 उठाई, 4 दबाई, 4 उठाई, फिर एक दबाई, 4 उठाई, 4 दबाई, 4 उठाई, फिर एक दबाई, मतलब हर 13 रस्सी बाद में एक रस्सी आपको दबाना है। ये चीज़ का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे देखो अगले में ये 4-4 का सिक्वेंस लेगा दोस्तों, ये लहर में
ये सभी चार चार के सीक्वेंस में चलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, फिर यहाँ पे तीन दबेंगे, फिर पाँच, फिर एक उठेगी, फिर तीन उठेंगे, फिर एक उठाई, फिर पाँच, फिर तीन, फिर एक। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सात रस्सी उठेंगी, फिर पाँच, फिर तीन, फिर एक रस्सी उठेगी, फिर यहाँ पे तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर चार उठाकर एक दबानी, फिर चार उठाकर फिर ये चार दबानी, फिर चार उठाई, फिर एक दबाई। तो ये सीक्वेंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप पूरी डिजाइन को सीक्वेंस में बना पाएंगे, अन्यथा आप नहीं बना पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा सीक्वेंस में, क्योंकि बारिश का मौसम इसलिए थोड़ा पॉलीथीन इस पर लगा दिया गया ताकि ये कहीं बारिश में न खराब नहीं हो। तो देखिए, एक दबाई, फिर तीन, फिर पाँच, फिर एक उठाइए, ये चार रस्सी दबी हुई हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे तीन तीन उठाइए, फिर यहाँ पे आपको चार दबाकर एक उठाइए, फिर सात दब, फिर तीन, फिर एक। तो इस प्रकार से बना गया है। तो ये स्टार देख लीजिए, ये स्टार आपको बन जाएगा हमारा। यदि इसमें आप ये ब्लैक वाले रस्सी की जगह आप रेड या येलो डालेंगे तो आपको दो कलर में ताना ताड़ेंगे दोस्तों, ये तीसरा कलर हमारा व्हाइट हो जाएगा। तो आपको एक्यूरेट जो कलर में ताना ताड़ेंगे उसी कलर में आपको बनाई करनी है। तो ये चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना इसमें, अगर ऐसी आपको कलरफुल चारपाई बनानी है तो। और इसमें 6-7 किलो ही रस्सी मैं लगाता हूँ, आपको बता देता हूँ कि वो 6-7 किलो रस्सी लगा। इसमें जैसे मैंने ताना में चार कलर बनाए हैं तो वैसे बनाई में देखेंगे आपको तीन कलर लिए हैं बनाई में, एक व्हाइट वाला कलर नहीं लिया है। तो आप चाहें तो व्हाइट वाला कलर भी डाल सकते हैं। तो वो सभी आपके ऊपर है कि व्हाइट वाला डालना है या नहीं डालना है। अब देखो यहाँ पे आपको देखिएगा ब्लैक वाले में स्टार दिखाएं तो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके हिसाब से येलो कलर आता तो स्टार बनता, लेकिन वहाँ पे मैंने ब्लैक कलर डाला तो इसलिए मैंने ब्लैक भी डाल दिया दोस्तों। कि दोनों तीनों चीज़ों में आपको स्टार और फूल बनाकर दिखाएं ताकि आप आसानी से समझ सके अलग कलर डाले तो कैसे आपको समझ में आएगा, वह देख सकते हैं। या फिर दोस्तों एक काम कर सकते हैं, आप ये फूल आपको नहीं बनाना है तो यहाँ पे लहर बना सकते हैं ऐसे, फिर यहाँ पे फूल बना सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं आप, इसमें लहरों की भी चार पाई, तीन की लहर, चार की लहर, पांच की लहर, छह की लहर, सात की लहर, वो सभी मैंने बताया। उसके साथ साथ फूल कैसे बनाए जाते हैं तो वो भी मैंने बताया। देखो एक पूरी लहर बना सकते हैं, फिर ये एक बना सकते हैं, ये बीच के फूल आप हटा भी सकते हैं दोस्तों अगर आपको नहीं चाहिए तो, या फिर पूरी में ऐसे ये फूल भी आप बना सकते हैं। अगर ये स्टार आपको नहीं चाहिए तो यहाँ भी आपको फूल बना सकते हैं दोस्तों, ये भी आप कर सकते हैं। तो वो भी आप आसानी से बन जाएगा हमारा, क्योंकि बहुत सी चारपाई में ये सभी आप फूल, एक फूल हमारा वैसे देखेंगे तो यहाँ पे एक उठा, यहाँ पे ये फूल हमारा बंद हो गया है और ये फूल हमारा चल गया है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान आ जाएगा यदि सेम कलर डालेंगे तो दोस्तों। सेम कलर से भी आप बना सकते हैं, पूरी ताना में ये सेम कलर डाल दीजिए और बनाए में भी ये सेम कलर डालेंगे या अलग कलर डालेंगे तो इस प्रकार की पूरी चारपाई में ये फूल हमारा बन जाएंगे। ये 13 रस्सी के फूल है दोस्तों, आपको बता देता हूँ, हर 13 रस्सी बाद में मैंने एक रस्सी दबाई है। तो ये चीज़ आपको जैसे देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, चार दबाई, चार उठाई, फिर चार दबाई, फिर यहाँ पे तीन उठाई, फिर यहाँ पे चार दबाई, चार उठाई, फिर चार दबाई, फिर एक रस्सी उठाई, ये 13 रस्सी यहाँ पे हो गई हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको अलग सीक्वेंस में, अलग डिजाइन में, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैंने दबाई है, फिर चार उठाई, चार दबाई, फिर चार उठाई, फिर एक दबाई, फिर चार उठाई, चार दबाई, फिर चार उठाई, एक दबाई, चार उठाई, चार दबाई, चार उठाई, एक दबाई। तो ये सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए, फिर यहाँ पे तीन रस्सी, फिर दो रस्सी, फिर एक रस्सी, फिर ये चार रस्सी उठाकर यहाँ पे तीन दबा देंगे, फिर ये तीन रस्सी उठाएंगे, फिर ये तीन दबाएंगे, फिर ये चार रस्सी उठाएंगे। अब ये हमारा ये इधर चला गया, अब वापस इसको मोड़ना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक दबा देंगे, चार उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन दबाकर एक उठाएंगे, फिर तीन दबाकर ये चार रस्सी उठाएंगे, फिर यहाँ पे दो रस्सी दबा देंगे, फिर ये चार उठा देंगे, फिर सात और पाँच रस्सी दबाएंगे यहाँ पे, फिर ये चार उठाएंगे, फिर यहाँ पे तीन दबा देंगे, फिर ये तीन तीन यहाँ पे चार रस्सी उठाएंगे, फिर तीन रस्सी दबाएंगे, फिर यहाँ पे आपको और भी चार रस्सी उठानी पड़ेगी, फिर यहाँ चार दबा के चार उठाए, फिर एक दबा दीजिए, फिर चार उठा लीजिए, फिर यहाँ पे आपको सात रस्सी उठानी है, फिर पाँच, फिर तीन, फिर एक रस्सी उठानी, ये सीक्वेंस अब आपको चलेगा। फिर यहाँ पे तीन रस्सी उठानी है, फिर पाँच रस्सी, फिर सात रस्सी, फिर चार चार दबा के चार उठाए, फिर एक रस्सी दबा दी, फिर चार उठा के चार दबा दी, फिर एक रस्सी यहाँ पे दबा दी, चार उठाई, चार दबाई, चार उठाई, फिर एक रस्सी दबाई, दो बार आपको चार चार उठानी है और एक बार चार आपको दबानी है, तो तब आपकी 13 रस्सी हमारी बनेगी। और हर 13 रस्सी बाद में ये फूल आप बना सकते हैं, यदि आपको कलरफुल नहीं बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ इसके अलावा चारपाई में नाम कैसे लिखते हैं, मोबाइल से नंबर कैसे लिखते हैं, वो भी मैंने पर्टिकुलर बताया कि हिंदी इंग्लिश में दोनों में नाम लिखकर दिखा है मैंने, दो दो डिजाइन से, उसके साथ साथ मोबाइल नंबर भी बनाए हैं। और भी आप देख लेंगे, हाथी, घोड़ा, मोर, ऊँट, तोता, वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पर। या फिर आपको डोकों से मुड्डा कैसे बनाया जाता है तो वो सीख सकते हैं कि डोकों से किस प्रकार से मुड्डा बनाया जाता है, छोटा बड़ा सभी प्रकार के मुड्डे बताए बनाए। और वो डोके की कितने डोके हैं, किसी में 150, किसी में 200, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 100, इस प्रकार से डोकों की जरूरत होती है दोस्तों। वो पर्टिकुलर आप देखेंगे हमारे चैनल पे तो आप समझ में आएगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो देखें अंत तक देखें, उसके साथ साथ सभी पार्ट देखें, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपको समझ में आएगा। तो ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, तभी आप ये बना पाएंगे डिजाइन, नहीं तो दोस्तों नहीं बना पाएंगे।
तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सी हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, 70% वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देखते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, बाद में उनको दिक्कत आती है कि पार्ट वन मिल जाता है, पार्ट टू नहीं मिल पाता है, तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। इसलिए आप बेल का बटन दबाना नहीं भूले, उसमें आल का दबाएं। और हिंदी इंग्लिश में दोनों में एड्रेस हिंदी इंग्लिश में लिखा है मेरा वीडियो के नीचे अंडरलाइन में, तो वहाँ से आप देख के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ऐसे डिजाइन की चारपाई बनवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।